नमस्ते भैया बहनों, कक्षा सातवीं के ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा सात के लिए आज हम पहला पाठ जिसका शीर्षक है सुभाषितानी, ये पढ़ने वाले हैं। सुभाषितानी से तात्पर्य है मधुर वचन, मीठे वचन, मृदु वचन, ठीक है। इस पाठ में अलग अलग ग्रंथों से बहुत सारे सुभाषित दिए गए हैं, जिनमें से हमने तीन यहाँ लिखे हैं। तीन का अध्ययन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इनको पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। पृथ्वीया त्रीणि रत्नानि अन्नम जलम अन्नम सुभाषितम् मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका अर्थ हो गया पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, ऐसे ये तीन रत्न हैं। मूढ़ मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा देते हैं, अर्थात मूर्ख व्यक्ति जो होता है वह पत्थर के टुकड़े अर्थात मूंगा, उपराज, हीरे, इनको रत्न मानता है, जबकि कवि के अनुसार वास्तविक रत्न तीन हैं, जल है, अन्न है और सुभाषित है अर्थात मीठे वचन है। दूसरे श्लोक को देखेंगे, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठतम्। सत्य से ही पृथ्वी को धारण किया जाता है, अर्थात पृथ्वी सत्य के बल पर ही टिकी हुई है, विराजमान है। सत्य के बल पर ही, सत्य के द्वारा ही रवि तपता है। रवि यानी सूर्य, सूर्य हमें प्रकाश देता है, धूप देता है। सत्य के बल पर, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। वायु हमारी जो चारों ओर हमें मिल रही है, हमारी जो कहते हैं कि प्राण वायु जो हमें प्राप्त हो रही है, वह वायु भी सत्य के बल पर ही हमें मिल रही है। और कवि कहता है कि सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सत्य के बल से ही सब कुछ संभव है। यदि सत्य का बल समाप्त हो जाए, सत्य की बात समाप्त हो जाए, तो ये सब चीज नष्ट हो जाएंगी। आगे देखेंगे, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नय विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। कवि कहता है कि दान में, तप में, शौर्य में, शौर्य माने वीरता, वीरता में, विज्ञान में, विनय में, विनम्रता में और नीति में, इनमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपनी पराकाष्ठा को पार कर जाते हैं। इनमें जब व्यक्ति तल्लीन होता है, जब इनमें डूबता है, तो अपनी पराकाष्ठा को पार कर जाता है। दान करने में भी इतने बड़े बड़े दानी हुए हैं, तप करने में भी बहुत बड़े बड़े तपी हुए हैं, और वीरता में तो हम राजस्थान ही जानते हैं कि वीरता, तो राजस्थान एक तरह से जन्मभूमि कहलाता है वीरता की। विज्ञान में भी नए नए आविष्कार होते हैं और विनम्रता में भी व्यक्ति बहुत ज्यादा विनम्र भी हमने यहाँ देखे हैं। और नीति, नीति सबसे महत्वपूर्ण है, नीति के बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति यहाँ विराजमान हुए हैं, पैदा हुए हैं। अर्थ कवि कहता है कि इन चीजों में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वसुंधरा, ये पृथ्वी, ये बहु रत्न वाली है, अर्थात अनेकों रत्न रूपी मनुष्य यहाँ पर पैदा होते रहे हैं, होता रहेंगे, आगे भी होते रहेंगे। गृह कार्य में देखेंगे, गृह कार्य में मैंने यहाँ प्रश्न लिखे हैं, पृथ्व्या कति रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, लिखेंगे तीन रत्न हैं, जल, अन्न, सुभाषित। ऐसे मूढ़ कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख व्यक्ति किन में रत्न संज्ञा देते हैं, तो हम लिखेंगे मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। सर्वम केन प्रतिष्ठितम, सब कुछ किसके द्वारा प्रतिष्ठित है, विराजमान है, तो हम लिखेंगे सर्वम सत्येन प्रतिष्ठितम केषु विस्मयो नहि कर्तव्यम, किस में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, तो हम सब में लिखेंगे दाने तपसी शौर्य विज्ञान विनय नय च वसुंधरा की दृष्टि अस्ति, ये पृथ्वी कैसी है, ये धरती कैसी है, तो हम लिखेंगे ये वसुंधरा बहुरत्नाः सन्ति, ये पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। अगले वीडियो में
अगले भाग में हम किससे आगे लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।